नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। बहुत समय से वीडियो नहीं आ पाई, उसका भी कारण था मैं देहरादून जा रखा था और वहाँ कुछ काम था, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि अप डाउन क्या करूँ, कितना ज़्यादा अप डाउन करूँगा, शॉपिंग भी कर लेता हूँ, तो शॉपिंग की वहाँ से कार्ड कूड छपवाए, बहुत समय लग चुका था। तो आजकल पहाड़ में जो चल रहा है वो मंडाई का काम चल रहा है, धान की मंडाई चल रही है आजकल, और जो झंगोरा होता है उसकी लवाई भी चल रही है। बाकी अभी तो खेत में मंडाई करने गया नहीं, आज जा रहे हैं हम, मौसम अभी। पीले पीले जो खेत हो रखे हैं उनमें वो पराली मारने के बाद, मनाई करने के बाद सुखाने के लिए डाली हुई है, ये देखो यहाँ पूरा। और उस साइड को है वो मंडुवे की खेती, तो वो अभी उसमें टाइम है 1 महीना करीब। लवाई मंडाई लगभग पूरी हो चुकी है, 1-2 दिन का बस रह गया है, क्योंकि मैं देहरादून था उस टाइम पर तो दिखा नहीं पाया। तो भाई ये है धान का कुनका। जी हाँ दोस्तों, धान को काटने के बाद कुछ इस तरह से ढेर किया जाता है 3 रातों तक 5 रातों तक, और यहाँ पर बिछाएंगे हम तिरपाल, और इसमें यहाँ से एक एक अंजवाल बोलते हैं इसको, एक एक गट्ठा निकालेंगे और उसको पैरों से मंडेंगे, यानी पैरों से उसकी मंडाई करेंगे। बाकी मौसम के हाल रोज की तरह हैं, आसमान में बादल लगे हुए हैं, दिन में धूप और फिर शाम को बारिश होती है आजकल, तो वही मौसम बना हुआ है। पहले नीचे वाले खेत में मंडाई की, उसके बाद एक खेत यहाँ पर उसमें की, और अब इस वाले खेत में आ चुके हैं हम लोग। तो आज फाइनली धान की मंडाई हम, मतलब क्या बोलते हैं, ठीक जो लेने, तो हम नहीं तो आज फिनिश कर देंगे हम इसकी मंडाई, धान की मंडाई। तो उसके बाद है झंगोरू, झंगोर का नहीं लोमा, अच्छा झंगोरा भी हमने ले लिया मतलब काट लिया है, घर में स्टोर कर लिया उसको, और अब कुछ दिनों बाद उसकी भी मनाई होगी, उसका ढेर लगा के रखते हैं, वो वीडियो में बाद में बताऊंगा मैं आपको। और बाकी ये है कुनका, बस लास्ट कुनका हमारा इस बार का, और इस बार धान अच्छी नहीं हुई है। अरे बुरी आज हमारा ना सुविधा, अच्छा एक वहाँ पर भी है बोले यार, तो वो भी उसकी भी मनाई करनी है। एमा वाह एमा ना ना, मैं अब तो दिखो लो मामा, अब तो दिखो, अरे लोग शर्मा गए भाई, मैं मनाई करता हूँ है ना, अच्छा बुलाना नहीं चाहती, मैं थोड़ी नहीं करता भाई, बुलाना नहीं तो नहीं बुलाना, साफ और सीधी बात। यहाँ पर मंडाई कंप्लीट हो चुकी है और अब वहाँ पर रह गया है, तो अब वहाँ पे निकलते हैं, धूप हो रही बहुत गजब की। तो एक साथ बांधे हैं ये देखो, तो और इसको पेड़ की टहनियों में कुछ ऐसे करके रखेंगे, पेड़ की टहनी यहाँ बीच से आ जाएगी, यहाँ कुछ इस तरह से बांध रखा है, तो ये स्टोर रहेगा, 2-4-6 महीने बाद इसका यूज होगा, तो ऐसे पेड़ों पर रखा जाएगा इसको, तो इसलिए ऐसे कर लिया ऐसे। तो अब फिलहाल भरने के बाद ही
तो थोड़ा हुए हैं। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है पहाड़ों में, क्योंकि भारी बारिश रही है। बरसात तो इस समय मतलब ऐसी हुई कि बंदरों ने खाया। अच्छा, बंदरों ने भी ज़्यादा खाया करके, तो मीन बंदरों ने खाया तो भाई इसलिए नहीं हुए। सकेले वो सकेले तो यार निपटा दिए आफत भी। बाकी उमस हो रही तगड़ी वाली, और दिन को आएगी बारिश, 2-3 बजे स्टार्ट हो जाती बारिश कभी कभी, कभी कभी रात को 7-8 बजे। तो अभी यहाँ पर मनाई करने के लिए लोगों के यहाँ पर भी है भाई। बेसिकली जो पहाड़ों का जीवन होता है वो बड़ा कष्टदायक होता है, या यूँ कह सकते हैं आपकी बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर कामकाज इतना होता है कि आदमी अपने लिए अलग से टाइम निकाल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो आजकल जैसे धान की मंडाई चल रही है, फिर उसकी पराली उठाने का कार्य स्टार्ट होगा, फिर उधर से मंडुआ भी रेडी होगा, फिर मंडुए की लवाई भी होगी, तो ऐसे ऐसे करके फिर उसकी पराली वगैरह दिसंबर तक कट जाता है, तो ऐसे में बहुत वो होता है। फिर उसके बाद ठंडियों का मौसम आ जाता है, ठंडियों में यही सारा काम गाय भैंसों को देने के काम आता है। बाकी उसके बाद फरवरी मार्च से फिर वो काम स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा काम होता है। तो आज पराली भी लग चुकी भाई हमारी, ये देखो मम्मी ने पराली भी लगा दी है इस पे, हमने यहाँ ऊपर ही कुछ इस तरह से इसको लगा रखा है, ये देखो टांग रखा है, इन टहनों में टांग रखा उसको। तो अब चलते हैं घर को, वो कट्टा ले जाना है मैंने, बाकी मम्मी लोग ले जाएंगे घास। तो पहाड़ियों का जीवन मैंने बताया अभी आप लोगों को, घास तो यहाँ आधा दिन खा लेता इंसान का। क्या कहानी है ये, क्या मैं हूं कन ढूंगे ते बोले मारी रे सूरज भैया ते आ हूं यूं पेड़ बिगुनी अरे ना खोर दो रे माल तने ला लाई यूं रे। हां सु लाल हुए ते खोर दो गुरु फिर दे बा हैं नरो ते नहीं ते बा ना पेड़ बिगुनी बोली नरो लो ते नहीं ला हां पाछे अरे लाठी चोर लगी पेड़ बिगुनी हैं अरे बाय बाय बाय। तो इसके पैर पे हो रखा थोड़ा, पता नहीं क्या हो गया यार, वो अजीब सा हो गया, उसमें पानी भर चुका है। तो यार मुझे भी नहीं यार पता, आइडिया नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, अभी गूगल पे देखता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। इस बार बारिश की वजह से ना ककड़ी भी ज़्यादा नहीं हुई है, और अब एक पीली लगी हुई है यहाँ, ये बीज के लिए रखी हुई है हमने, ये देख सकते हैं आप, ये लाल हो रखी है तो ये बीज के लिए है। बाकी और ख़त्म हो चुके, एक थी ये मैंने निकाल दी, और एक बुंचा और लगा हुआ है यहाँ पर मुड़ा हुआ, बस वही है कहाँ है, अरे वो बुंचा ही नहीं दिखता टाइम पे यार, यही है यहीं पे, यही एक ही बुंचा है बस, और अब ख़त्म हो चुका है यार। ये उबाली हुई मुंगरी है, ऐसी चीज़ों का सीजन है इस समय। वैसे अभी खाना खाने में टाइम है, तो मैं थोड़ा मुंगरी पका देता हूँ, पहाड़ी मक्का आग में सेक लेता हूँ इसे कोयलों में, एक मक्का तो पक चुकी है, ये देखो ये आग पर सेक की ना मैंने, तो ये इसलिए काली काली नहीं हुई, इसलिए नहीं जली, यहाँ यहाँ थोड़ा जली, यहाँ ज़्यादा पक गई, और कोयले में जला के यही फायदा होता है, बहुत टेस्ट आता है इसका। ये दूसरी वाली भी पकी रही है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही खूबसूरती और निखर जाती है पहाड़ों की, ये
शाम का टाइम है, करीब 4:30 हो रहा है और अभी मौसम कुछ इस तरह का है, नज़ारा भी कुछ इस तरह का है। बाकी घर में आदमी बहुत बोर हो रहा है, हद से भी ज़्यादा, मतलब कहाँ जाना क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल लड़के भी इतने हैं नहीं गाँव में और फिर काम भी कुछ नहीं है आजकल फिलहाल। तो इसके बाद अब शादियों के काम पर जुट जाएंगे, तो फिलहाल उसके बाद तो बिजी रहूँगा, 2 महीने तो रह गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है ना। अभी जा रहे हैं हम स्कूल में कैरम खेलने, थोड़ा वहाँ पर वक्त जाया करते हैं और देखते हैं।